नमस्कार मैं हूँ बीबी फ्लावर और आज का हमारा टॉपिक है ज्ञानी कौन आज के लोग या फिर गुजरे हुए कल के लोग आगे आने वाले कल के लोग यूजी का वो स्टेटमेंट अभी देख रहा था एक वीडियो में बता रहा है आई लाइक छोटा सा था वीडियो उसमें बता रहा है आई लाइक चिल्ड्रन वेरी मच बच्चे क्योंकि बच्चे जो छोटे पैदा होते हैं उनके पास बहुत इंटेलिजेंस रहता है लेकिन हम लोग उनको स्कूल वगैरह में डाल के ये सब करके बर्बाद कर देते हैं राइट तो उनको ब्रेन वॉशिंग ये सब करके क्योंकि तब वही आता है कि तुम कर क्या रहे हो स्कूल वगैरह में किसी और ने कुछ समझा है कि ये किया है उसको तुम उसी तरीके से ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हो हाँ। तो बच्चा जो अपने आप जो पैदा होता है यूनिक ही पैदा होता है हमेशा जैसे हम बात कर रहे थे ना कुछ लोगों को ऑटिज्म ये सब जो रहता है या उनको वो स्किल नहीं है आ, तो क्या होता है कि उनको कुछ और कला जो है वैसे देखा जाए तो ऑफ टॉपिक ये कि कान ने जो सब्जेक्ट बनाया है मूवीज का सब्जेक्ट तो अच्छा था तारे जमीन पे बता रहे हो तो वैसे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं लेकिन प्रॉपरगैंड है उसमें भी एक फार्मूला नहीं रख सकते एक एग्जाम्पल है ना वो कि तुम एक्सप्रेस वो बच्चा फिट नहीं हो रहा है अब तो बच्चा जो है पैदा होता है बहुत इंटेलिजेंस रहता है करके यू ने बताया था अब ये है पुराना हमेशा वो जो बोलते हैं यू हैव टू फ्लश आउट बोलते हैं एक एग्जाम्पल हम ही सोच रहे हैं ना कई बार कोई भी हो सोचते हैं कि पुराने ज़माने में हुआ है तो कुछ तो होगा टाइप वहाँ पुराने ज़माने का हमेशा बताया जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट थे इस मामले में मैं अपनी बेटी की राय लेना चाहूँगी आपको ऐसा लगता है क्या कि पुराने ज़माने के लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं नहीं क्यों नहीं <laughs> क्यों नहीं वो बस बोलते रहते हैं ऐसे तो हो, होते नहीं है नहीं होते हैं तुम तो बड़े हो गए बच्चे को तुम तो बिगड़ चुके हैं ऑलरेडी नहीं लेकिन एक मिनट ये कैसे बिगड़ चुकी है क्योंकि हमने पहले भी हमने इसको जो भी कोशिश की कुछ बताने की तो उसने हमेशा रिजेक्ट किया उसने बोला कि उसने बोला कि नहीं उसको फेस वैल्यू जो बोलते हैं उस नहीं लिया है उसने उसने अपने करते तरीके करते से, से समझने की कोशिश की तभी वो समझी है है तो आच, नहीं। आच, कि नहीं हालांकि वो स्कूल जाती है कई और से तो आता ही है ना ब्रिंग वॉशिंग कई और से आता है आपको टिकटॉक यूनिवर्सिटी से आ रहा होगा टिकटॉक ऐसी कोई ऐप नहीं है कि कोई अपना प्रोपागेंडा दे रहा है वहाँ वो भी तो देते हैं ना वैसे ही लर्न करता है इनसे नहीं आई थिंक बताया था कि बच्चों से सीखना चाहिए बच्च, बच्चा पैदा होता है छोटा आ, आ, तुम तो नहीं कर रहे हो ऐसे हाँ, मैंने नहीं किया भाई आप, क्या आप क्या 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 सिखाने में लगे हुए थे माँ कहाँ सिखाने में लगा हुआ था मैं तो कुछ नहीं सिखाया इसको मेरे पास उतना ना टाइम था ना एक्चुअली आई थिंक मैं आई थिंक मैं अपने को सबसे अच्छी माँ बताऊंगी क्योंकि मैंने कुछ नहीं सिखाया किसने ने कुछ नहीं सिखाया चिक्को को इसीलिए इंटरनेट ने सिखा दिया इस पर इंटरनेट करके एक डॉक्यूमेंट्री था ना जो बैन हुआ था नेटफ्लिक्स में आई मीन बैन नहीं लोगों ने कैंसिल किया था तुम्हें याद है पेरिस में बना था वो कुछ लिपस्टिक पहन के कुछ क्यूटीज क्यूटीज <laughs> जो बैन हुआ था उसमें <laughs> थीम ये था <laughs> कि बहुत छोटे बच्चे थे उनको पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया तो इंटरनेट ने पाला उनको देखो यूजी का जो था कि एक्सट्रॉल इंटेलिजेंस वो बोल रहे थे ना बच्चा लेकिन उनका ये उन्होंने ये भी बोला कि बच्चा लेकिन ऐसा हम एनवायरनमेंट क्रिएट ही नहीं कर सकता कि वो अपने आप पैदा होकर बड़ा हो जाए फ्रीली अपना थिंक करें वो नहीं कर सकता है क्योंकि कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करता ही है क्योंकि ये जो बोल रही है ना पुराने वाले सब बोल रहे थे बस करके तो उसका देखो ये है कि जब तुम बोलते हो ना प्रीवियस जनरेशन तुम बहुत बड़ा ब्रॉड सेट को जैसे आज के जमाने का लोग भी तुम बोल रहे हो कौन लोग कौन लोगों लोग बात कर रहे हैं जो लीडर्स है ना वहां पर आज के जमाने के लीडर्स क्यों तुम मीडिया में देख के, के कंज्यूम कर रहे हो वही उनका वॉइस है आम आदमी का वॉइस कहा है आम आदमी तो सुन के बता रहा है बस हाँ आम आदमी हमेशा किसी के सुन के ही बताता है वही तो वही तो मैं वही कहने की कोशिश कर रही हूँ जो यूजी बोल रहे थे

कॉमन मैन के रेल में था क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा नहीं था उनको ज्यादा पता नहीं था लेकिन कितना इज़िली वो करप्ट हो सकता है मैं सोच रहा था जैसे हवाई वाले ने कहानी बताया था ना hmm. कि वो लोग बहुत सिंपल से उनके पास अच्छे स्किल्स थे जैसे वो तारे देख के रात भर में चले जाते थे हाँ, कहीं भी समुद्र में चले जाते थे, थे, सही थे में। उनको पता था वो सब पता था बहुत हेल्दी खाते थे वो लोग बहुत हाँ। फिट थे पानी में जाते थे हाँ। और वैसे बहुत सारे ट्राइब्स थे ऑस्ट्रेलिया में जो आइ ट्राइब्स है वो भी हाँ। ऐसे ही थे अब ये जो एडवांस वेस्ट वाले सोकार एडवांस वाले वहां गए हैं उन्होंने क्या देखा पहले तो अपना व्हाइट वाला लेकर चले गए कि मैं सफेद दिख रहा है तो सब लोगों को लग रहा है ये कौन है

वही तो वो करप्ट प्रोसेस फूड ले आए तो जैसे दांत वगैरह खराब होने लगे उनका ओरिजिनल वालों का कभी दांत नहीं करता तो सब उनको इतना जल्दी सब कुछ बीमारियां हो जाते हैं और बहुत सारे हुआ वो अलग टॉपिक है बट आम आदमी उसमें भी वही है ना कि अभी हमने एड्रेस किया ट्राइब इसका मतलब है कि उस ट्राइब को हमने एक लेबल दिया कि ऐसे लोग हैं लेकिन उसका लेबल क्लियर नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारे आम आदमी है जो अलग 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 होंगे उनका थिंकिंग और उनका वे लेकिन वो होता ही नहीं है बाहर आने ही नहीं मिलता है क्योंकि ट्राइब में भी हो तो तुम्हें कन्फर्म करना पड़ता है जनरलाइजेशन oh, हाँ जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग आज के दिन तो थियरी ये है मेरा कि कल लगा कि आज के जमाने में तुम देख के किसको तुम बोल सकते हो कि ये बहुत ज्ञानी है इसको बहुत सारा यू you नो know, uh, कुछ पता है करके मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही होता है जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है सबसे ज्यादा अपना मार्केटिंग किया है उसने yeah. वही है सबसे ज्ञानी <laughs> यार लोगों ने समझाया अब ये भी बोल सकते हैं कि पब्लिक पब्लिक सब जानता है एक्सेप्ट कर रहे है, तो अच्छा है आम आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे yeah. जो वहाँ पर रिक्शा चला रहा है उसको कल का चाहिए लेकिन वो रिक्शा चला रहे हैं उसका भी हाथ में मोबाइल दे दिया टेक्नोलॉजी वो भी कनेक्टेड है इंटरनेट से कोई नहीं बचा इंटरनेट से कोई नहीं बचा है कहीं भी यहाँ बट आम आदमी का जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन प्रॉब्लम्स वो आज भी वही है वही है तो वा, वा, वाई शुड यू थिंक तुम्हें क्यों लगता है कि दस हजार साल पहले दो हजार साल पहले कुछ थिंकिंग अलग रहेगा वो फंडामेंटल थिंकिंग वैसा ही रहेगा जैसे यूजी का कोट था ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम वेर एवर यू गो तो उसको एक्सटेंड करके बता सकते हैं हाँ. जाओ, जाओ, है हाँ, तो है के के और अब नहीं है स्पेशली वो जिनको लोग टिकटॉक हाँ. देख रहे हैं या रील्स देख रहे हैं वीडियोस देख रहे हैं ऑनलाइन ही लगे हुए हैं ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो ज्ञानी नहीं है हाँ बड़े लोग बड़े इग्नोरेंट रहते हैं इग्नोरेंट भी चल रही थी तुम ऐसे ही कर रहे कि तुम्हें लगता है की तुम्हें सब पता किसी और को पता ही नहीं है और तुम तो टिकटॉक पे गए ही नहीं और तुम बता रहे हो जिसकी तुम्हें सब पता है और आई हाँ, थिंक आई थिंक आई थिंक मेन चीज पता है क्या है मेन चीज ये होती है कि जैसे जो हमारे बच्चे हैं जिनके बारे में हमें लग रहा है कि अरे इन बच्चों को तो कुछ नहीं पता है लेकिन hmm. हमें ये समझना चाहिए कि हम बूढ़े हो रहे हैं और हम अब इस गेम से निकल रहे हैं बाहर और जो गेम में आ रहे हैं वो इन्हीं के जैसे बच्चे हैं उन्हें उन्हीं जैसे लोगों के साथ ही आगे बढ़ना है तो वो सब ठीक है वो सभी वैसे ही हैं But, और हम है शायद जो अलग हो चुके हैं अब हाँ तो हाँ तो हमें ये सब नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें कम पता है लेकिन ये भी मैं बताना चाहता हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि अब ये यंग जनरेशन ये नेचुरली इसके जनरेशन में भी यही होगा कि एक टाइम आता है जब तुम्हें लग रहा है कि यंग जनरेशन और सीखता जा रहा है और अच्छा होता जा रहा है जैसे मेरा एक फ्रेंड मिला था वो बता रहा है कि आजकल के जनरेशन तो इतने स्मार्ट है, क्या है? कि क्या कि बचपन में ही ये कर रहे हैं हाँ। तो मुझे लगा कि ऐसे नहीं है कि स्मार्ट है बदलता जा रहा है थॉट हाँ, बदल रहा है जो सोच बदलते बोलते जो यूजी बता रहे थे सोच बदल रहा है बस और कुछ नहीं जैसे एक और चीज उन्होंने बताया था कि साइड टॉपिक में कि कई सारी चीजें है जो चेंज होते होते काल, समय बदलते बदलते क्या होता है कुछ सालों में हाँ वही नहीं समाज की सोच भी बदलती रहती है वही मैं कह रही हूँ क्योंकि वो हाँ, हाँ क्योंकि समाज की सोच में जो एवरेज जो लोग हैं वो वही लोग हैं जो आजकल इंटरनेट पे हैं तो जब वो ही ज्यादा हो जाएंगे तो समाज की सोच उनकी सोच है और क्या लेकिन Thought ऐसी चीज है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए हमेशा वो उन्होंने किया था it might change, it will still be considered करके क्योंकि इसका मतलब कि हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट भी रखा रहता है देखो कुछ भी हो एक कॉन्फर्मेंस uh, हुआ है इसमें तो कुछ और आ गया इनके जमाने में कुछ और है जब विलन अब हाँ जब ये बच्चे बड़े होंगे तो जो दूसरे लोग कुछ और कल्चर लेके आएंगे वो विलन हो जाएगा हाँ ऐसा हाँ, तो होता ही है तो ही है, ऐसा लगता है। हमारे, तो जैसे जैसे हमारे जब उन्हें ठीक नहीं लग रही थी वही एक जमाने में <laughs> हुआ होगा कि जो कपड़ा पहन रहा है ट्राइबल्स ने देखा हाँ। कि ये तो कुछ कपड़ा पहन रहा है उठा के वो भी तो हुआ होगा राइट हाँ ट्राइबल्स लेकिन ये अपने अपने ये है कि एक चेंज करने वाला एक एक डायरेक्शन है हाँ। कुछ लोग और कुछ लोग उस पे जा रहा है। कुछ लोग अपना जैसे उनको पता है वैसे ही चाहिए उनको चेंज नहीं करना है कुछ हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ही सही है और दूसरे हाँ। लोग गलत है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अब बदलाव आ रहा है और धीरे तो धीरे जब समाज की भी सोच वही हो जाएगी तो वो ही ठीक हो जाएगा उस मामले में बट इससे मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जो प्रीवियस कोई भी ट्रिक जो बताते एवरीथिंग हैज टू फ्लश आउट तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे जो पुराने तत्व करके आजकल बहुत चल रहा है ट्रेंडिंग in इंडिया कि पुराना है तो सब सही है हाँ। तो एंशियंट है तो बट अच्छा है करके तो एंशियंट वॉइस में सही है गलत है वो छोड़ दो साइड में लेकिन मैं बोल रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन है क्या उसमें एंशियंट वॉइस में आम आदमी का कितना रिप्रेजेंटेशन है जैसे जो आम आदमी मेरा मतलब है आम आदमी वो नहीं है जो ब्रेन वॉश आम आदमी यूजी अपने को बता रहा था आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी मैन मैं एक साधारण सा इंसान हूँ साधारण क्योंकि वो ऑर्डिनरी वाला बहुत मुश्किल है रहना यू कांट बी ऑर्डिनरी ंग यू आर लेबल्ड कि तुम ये हो तुम वो हो मैं मतलब खुद तुम्हें करना पड़ता है वरना लगता है कि मैं कोई भी नहीं हूँ हाँ, और, हाँ। और अचानक का समाज बोलता है कि तुम कोई भी नहीं हो तो तुम अब डिप्रेस होना पड़ता अपना है। अस्तित्व बनाना पड़ता है या तो तुम्हें दुखी होना पड़ेगा समाज ही बताता है तुम्हें अब आप डिप्रेस हो जाइए हाँ तो अनलेस आ, और डिप्रेस होने में ये होगा कि जैसे अभी याद आया मुझे वो टॉपिक वाला जैसे एसोसिएट हमेशा ये रखता है जैसे तुमने वो बोला कि किसी ने सती वाला बना रखा है हाँ एक इंस्टा हाँ, इंस्टाग्राम पे मैं किसी को फॉलो करती हूँ उसने अपने को शिवा की सती बता रखा है हाँ, तो इसमें तुम सोचो सोचोगे हुआ क्या है हाँ। कि आप तो आजकल तो शिवा ट्रेंडिंग है सब हाँ। तो लेकिन सिक्स पैक्स वाले शिवा ट्रेंडिंग तो इन्हों से जब हाँ। मैं मेरे तो इतना अब खरता सब कुछ अपने लिए है हाँ। आपनी। हाँ। आ, तो तुम शिवा के सती बनके जो तुम मार्केट कर रहे हो हाँ। इसका मतलब है कि तुम अपना कुछ एक्सक्लूसिव वहां पर बताने की कोशिश मैं बताऊं कि मैं यूजी का बहुत बड़ा फैन हूँ हाँ। 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 और कोई नहीं है जैसे उनके चेले बहुत सारे है जो हाँ। इनको लग रहा है की यूजी के बारे में तुम कौन होते हो बोलने के लिए ऐसे कुछ पुलिस वाले ऐसे है कई कई सारे जगह है की उस मामले में उन्होंने बहुत अच्छा बना के चले गए थे मेरा कुछ भी गार्बेज तुम कहीं भी तुम मोड़ के

कॉर्पोरेट कल्चर आ जाता है उसमें राधा टाइप बताने की कोशिश कर रही है वो वो सब ठीक है लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर तुम्हारा ऐसा है तो तुम इतना इंस्टाग्राम पे एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रही हो और उसमें ये भी लिख रही है सबसे पहली लाइन उनकी वो है मेरा ये कॉपी है कहीं भी डालो तो मेरा नाम जरूर डालना तो मुझे लगा पता नहीं क्या हो रहा है उसके फॉलोअर्स भी बहुत सारे हैं कुछ But I think उसमें वही है जो हमने पिछला पॉडकास्ट जो बनाया था कि वो उसको सेक्शुलाइज कर रही है उसमें गलत सला... गलत नहीं है गलत नहीं तो है। है। हाँ, मैं ये कह रही हूँ ये इससे मुझे कुछ वैसी रिलीजियस या फेथ वाली वाइब्स नहीं आई

कई सारे चीज आज के दिन जो चल रहा है उसको जैसे वो जो भी कर रखता है हाँ। कि इनको मेंटल हॉस्पिटल में कभी कर दिया जाएगा तो मेंटल हॉस्पिटल में तो एक जमाने में ये भी होगा जो पहला मुंह खोल के आवाज निकाल रहा है उसको उसको मेंटल मतलब हॉस्पिटल था नहीं तुरंत मार दिया गया होगा ये कुछ साउंड हाँ। निकाल रहा है पुराने पुराने जमाने <laughs> में यही बोलते थे जैसे वेस्टर्न कल्चर में विच बता के बहुत से लोगों को जला दिया गया तुम फिर हो रहे होता तो वो वो तो है मतलब वही बात वही हुई ना कि समाज में कई तरीके के लोग हैं राइट हर एज ग्रुप है तो वो जो कंजर्वेटिव एज ग्रुप है जो पुराने ओल्ड लोग हैं वो अपने ही तरीके को सही समझ रहे हैं उनको बाकी लोग गलत लग रहे हैं तो जो ट्यून्स करके एक है वो उसने इंडिया का भी कुछ बुराई की थी उसने मून हाँ, लैंडिंग yeah, land की हाँ, बुराई हाँ, की थी हाँ उसका अपना एक शो है यूट्यूब पे तो वो हमेशा ये यंग बच्चों का ना वीडियोस निकाल के और बोलता है इन लोगों को मेंटल हॉस्पिटल में डालना चाहिए ये लोग पागल है कि उसको सब पता है वो किसी को भी कुछ आ, बोल सकता है उसको देख के लगता है कि वो देखो ऑन द वाला जो आ, बहुत के कुछ बोल रहा है और वो को, को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने एक चीज और सोची थी जो यूजी कृष्ण मूर्ति ने कहा था कि सब लोग खाली रेप्लीकेट कर रहे हैं ना वही तो उसमें भी मैं यही सोच रही थी जो लोग ये आर्ट और ये सब बनाते हैं कारीगरी और ये सब करते हैं वो भी तो वो उसी चीज की कारीगरी कर रहे हैं

जैसे तुम पहले तो होगा नहीं जैसे मानने के लिए तर तो नहीं सब के बारे में बताया गया है कि वो भी एक टेक्निक प्रोसेस है ये सब की सब लोग अब वो भी फैशन हो चुका है धीरे धीरे कैचअप हो रहा है कि यू नो you डीप know, इंक्वायरी करो रमणा की तरह हु एम एम आई आई दैट ये सब कल्ट बुक्स है ना कि आ, ये अपने आप को जानो तुम कौन हो पूछो हु एम आई पूछो ये सब जो गुरु वाला जो बिजनेस वाला है Uh, clear, uh, बहुत क्लेवरली वो 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 सब में नहीं हैं हैं वो. अच्छा, वो हाँ. कुछ और तरीके से मार्केट करते नया जनरेशन के लिए वो. हाँ, तो आ, आप आप को लेकर uh, क्या कहना चाहेंगी मैडम मुझे नहीं पसंद हैज <laughs> <laughs> रिजेक्टेड <सद्गुरु laughs> आपको क्या पसंद है वो <laughs> <laughs> हाँ. पता नहीं है है हाँ. मुझे बता? समझ में नहीं आता है, कि oh. <laughs> है exactly. किसी ने बताया मुझे यूएस में कोई थे बहुत पार्टी वगैरह कर रही थी कोई औरत और, इंजीनियरिंग वगैरह करके कुछ साइंटिस्ट वगैरह थी ये सब अचानक वो सदगुरु का कुछ इन्होंने इनर इंजीनियरिंग किया ये अब दो साल में पता चला वो सरवोर मुंडवा के वहाँ पर सन्यासीवन के आश्रम में चली गई है ऐसे लोग है जिनको रेडिकल क्यूंकि ये सब ये बताता है की यू डों तुम ऑनेस्ट नहीं, नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए हुँ. तुम सिर्फ ये कर रहे हो की तुम अपने आप को सेंटर में डाल रहे हो और मैसेज दे रहे हो तुम अपने को वैलिडेशन करने के लिए मैं आप स्पेशल हूँ मैं यू डोंट टू एक्सेप्ट इट हाँ मैं बदल गई हूँ या मैं आप बहुत अच्छी हो गई हूँ मैं पहले खराब थी वही अभी भी मैं ही चल रहा है मैं मैं वही मैं वही पर आता है कि जो मैं है ही नहीं, के नहीं।, नहीं। से है ही हाँ, नहीं और यू। और यूजी कहते हैं कि मैं करके कुछ है नहीं तो लेकिन वो फॉर्मूला नहीं है मैं करके है नहीं अब वो आंसर बना के वो अब वो ट्रेंडिंग हो जाएगा गुरु में करके कुछ नहीं है उनका क्या कथा था ना यू आपको खुद से ही समझना टू फाइंड किसी और का नहीं ले सकते हो तुम कोई और बोल दिया कि कुछ मैं कुछ नहीं है ए लिख लिख लो लो कुछ नहीं है एक्चुअली इसी से मुझे अभी बहुत एक बात याद आई कि अभी हमने प्रोमेथियस मूवी दोबारा देखी ना mm. उसमें जब वो बूढ़ा जिसने ये सब कुछ इतना सर्कस किया दूसरे प्लान पे पहुंचा उससे फिर इसलिए पहुंचा था क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था और फिर जब वो मरते समय उसके मुंह से पता क्या निकला था याद है तुम्हें देर इज नथिंग इज नथिंग करके उसका लास्ट सेंटेंस mm. था सो ही रियलाइज्ड कि देर इज नथिंग बट इट वाज टू लेट यूजी ने हाँ। यही तो बोला था कि हाँ। करेक्ट. और वो समझ में आता है जब तुम सब कुछ जाकर देख लो जैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें जो हताश हो जाते हैं अपनी जिंदगी से तभी तो वो गुरु वगैरह के पास जाते हैं अच्छा पॉइंट उठाया तुमने हाँ। क्योंकि अज्जा एक बात बताते है कि विषादा योगा करके एक है राइट वो भगवत गीता में जो रहता है देखो वही कोट करना पड़ता है यही प्रॉब्लम है कि जैसे मेरा इतना करप्शन हो चुका है नॉलेज इज सच ए बैड थिंग कि तुम्हें इतना सारा गार्बेज डाल दिया गया है एसोसिएट करना ही पड़ता है किसी से हाँ तो वैसे तो, ही तो, हम समझते हैं यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल करके मैंने अपनी बुक्स में बार बार यही लिखा यू हैव टू ड्रॉ पैरेलल टू समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो मुझे हैंडेड डाउन है ना हैंडेड डाउन ही तो, है तो आई डोंट नो मुझे नहीं पता कि था कि नहीं मतलब यूजी को पता था आगे पीछे सब कुछ शायद लेकिन मुझे नहीं सच पर नहीं एज सच पता है ना बट इफ आई गो बाय व्हाट इज देयर विशाद योगा वो जो बोलते थे अच्छा hmm. ट्रेडिशनलिस्ट वो सब कुछ वो बोलते थे कि कोई भी चीज ध्यान करो ध्यान और hmm. अपना ये उनका अप्रोच भी वही था कि समाधि वाला समाधि नहीं सरेंडर राम तो विषाद योगा बोलते थे अर्जुन को जो हुआ था ना उसको जब वो खड़ा था और वो बोल रहा था मुझे अब लड़ना नहीं है हाँ. क्योंकि बिकॉज नॉट दैट कि उसको डर लग रहा है या दुख हो रहा है विषादा हो गया था उसको कि कि हाँ. पैरालिसिस टाइप हो गया कि अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता करना ही नहीं है मुझे कुछ आई इज नो पॉइंट इन इट ठीक है अब कोई मतलब नहीं है वो बोला था कोई मतलब नहीं है ऐसा मैं अपने कजिन्स को मार के मैं क्या करूंगा इसका मतलब क्या है उनका ये था अच्छा बोल रहा था विषादा योगा पहले आना चाहिए बिफोर यू डू एनी थिंग विषादा योगा नहीं फायदा नहीं है जैसे वो मैंने बोला कि हताश हो जाना हताश हो जाना या लोगों को लगता है कि कुछ क्यूरियस क्वेश्चन आ जाता है कि अब मौत के बाद क्या होता है क्या बचता है yeah. क्या रहता है वो पर था मैं हुँ. औरत को कहीं तो कुछ ट्रिगर उन्होंने ये हुआ है अपने को special करने वो वहाँ चली गई है तो मैं ये बोल रहा था कहाँ मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा था की यूजी बोल रहे थे कोई भी चीज ट्रांसमिट नहीं हो सकता है ना ट्रांसफर नहीं हो सकता ट्रांसमिट के बारे में मेरा दूसरी राय राइट

टाइम में कितने सारे लोग हैं राइट दुनिया में और हमारा सर्कल में इतने सारे लोग हैं अब तुम कोई मरा हुआ चीज जो है इंक्लूडिंग जो यूजी कृष्ण मूर्ति ने जो बोला था और लिखा था और वो सब जो है उसको कभी किस, किसी के हाथ लग गया और उसको देख के तुम कुछ नहीं होगा उससे कुछ भी नहीं होने वाला है मेरा ये मानना है अनलेस की तुमने उनको देखा है और तुम्हें मन में लगा है छुआ है कि ये कुछ कुछ हुआ है तुम्हें कि यू नो कन्विंस हुआ है नेटिवली वो सम काइंड ऑफ बॉन्डिंग मैं बता नहीं सकता हूँ कैसे कि लर्निंग के बारे में मैं बोल रहा हूँ लर्निंग इज राइट नॉट द राइट वर्ड में भी बट यू जी शायद वही बताने की कोशिश करते थे कि इट्स इम्पॉसिबल ट्रांसमिट तो पहले तो यूजी से कुछ नहीं मिल सकता है किसी को भी हाँ राइट right? नॉलेज के लिए तो ठीक है बट इवन फॉर दैट कि वो बोल रहे थे यू जी बोल रहे थे मैं तुम कुछ भी पूछ सकते हो मैं कुछ भी आंसर दूंगा तुम्हें कैसे पता है कि सही जवाब है हाँ ना वो भी है हाँ मेरा ख्याल है मुझे ये समझ में आ गई है बात आई थिंक ऐसा हुँ. जैसे चीकू के स्कूल में ऐसा हुआ था जैसे वो बोलती है कि हमारे ये टीचर ठीक से बताते नहीं है ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं मुझे तो इनकी बात समझ में नहीं आ रही है बिल्कुल किसी को तो समझ में आ रहा होगा हाँ तो वही मैं कहने वही दैट्स अपा इज ट्राइंग टू से कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता मेरे सिखाने हाँ, से कुछ नहीं होता वो तुम्हारे ऊपर है जिसको मैं बता रही हूँ उसे हाँ, पता चलना चाहिए कि उसे समझ में आना चाहिए उसे वो चीज छूनी चाहिए इट शुड टच यू शुड टच यू मतलब अंदर तुम्हें वो जब तक छुएगी नहीं बात तो वो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ तो और मुझे शायद वो तब भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हें पता चला है हाँ नहीं पता चलेगा यू कैन ऑलवेज से कि क्योंकि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू मूव ऑन राइट तो कॉन्वर्जेशन कैरी होना के लिए बनाया है सोसाइटी तो यही एक्सट्रापलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इतना ठीक है ग्राउंड वर्क में कि ज इज नीड नॉट बट अब सोसाइटी में आगे करना पड़ता है ट्रैफिक लाइट है ग्रीन है मैं मार्ग्यू नहीं कर सकता हूँ कि ये तीन कलर तुमने क्यों रखा है मैं नहीं जाऊँगा तो इतना है कि सब कुछ तुम्हें कम्युनिकेशन बात करना ही पड़ेगा जैसे मोनी बाबा जो है बारह साल से बात नहीं कर रहे है कुछ और तरीके से कम्युनिकेट कर रहे कुछ तो पता नहीं पड़ रहा है उन्हें कुछ तो करना ही पड़ेगा आप तो कोई और चारा नहीं है यहाँ रह, रह रहे हो तो वो तो यूजी हाँ. कर रहे थे सब कुछ बट ये जो नॉलेज जो है पुराने जमाने का या इसका मुझे लगता है कि वो रिप्रेजेंटेशन जो गया है ना वो सिर्फ इन्हीं लाउड माउथ लोगों का गया है जो हाँ, सबसे जो सबसे चिल्ला चिल्ला के अपने को फेम लिया है ये हाँ, किया वही बने उन्होंने ही हिस्ट्री लिखा अपने स्ट्रॉन्ग वालों ने अपना हिस्ट्री लिखा है शायद आम आम जो लोग हैं दैट इज वन थिंग वो एक चीज मुझे समझ में नहीं आता है कई बार कि जैसे शायद यू ने कोशिश की है कि उनका कोई ये ना हो उनकी जो भी उन्होंने बोला है वो आगे ना बढ़े हाँ वो ना कोई तो उन्होंने क्यों नहीं रोका रिकॉर्डिंग रे, वगैरह में पता नहीं अपना ऑटोबायोग्राफी जला दिया था उन्होंने पूरा सब कुछ अच्छा बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी पता नहीं अच्छा। लिखा था सब जला दिया था उन्होंने हाँ। तो बहुत मुझे लगा बहुत अच्छा काम किया कि उनका सब वीडियो भी हट जाना चाहिए इंटरनेट से मैं हाँ समझ रही हूँ लेकिन मैं दूसरी चीज मैं जो बोलना चाह रही हूँ दूसरा जो मैं ये देना चाह रही हूँ कि हम इसी समाज में रहते हैं तो हमें इस समाज में रहने के लिए हमें वो सब कुछ चाहिए हमें वो सब कुछ सीखना पड़ेगा जैसे स्कूल में जाना पड़ेगा और हमें समझना पड़ेगा और माँ को जिसको कृष्णमूर्ति ने काफी कुछ बोला मॉन्स्टर मॉन्सर हाँ, बोला था मदर्स आर मदर फॉर आर नो एंजल अच्छा फादर्स डोंट काउंट राक्षसी है लेकिन बच्चा भी कोई कम नहीं है देवता और नहीं है। और जो आपको तो लेकिन दूसरी भी चीज ये है की हमें इसी समाज में रहना है तो हमें तो ये सब करना ही पड़ेगा ना हाँ मना कौन कर रहा है मना नहीं कर रहे वही तो इसीलिए ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना सही है ना कोई गलत है और आई थिंक मेरे हस्बैंड जो ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे बहुत सही लगी कि ये जो हिस्ट्री और ये सब चीजें जो लिखी गई हैं कि पिछले चाहे वेदा ही ले लो लोषा ही हाँ। ले लो कुछ भी ले लो कुछ भी वो सब कुछ उसी की आवाज है जिसने बहुत तेज बोला है जिसने सबसे आगे बढ़ के बोला है जो जीता हाँ जो जीता है उसने वो सब लिखा है जो कॉमन मैन था जो आम आदमी था उसकी आवाज नहीं है वो यही ट्रिक है कि बीच-बीच में आम आदमी का भी है उसमें जैसे मुझे यूजी का जो बता रहे थे वो अच्छा लगा राइट सुनने में अच्छा लगा वो भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि मैं अपने को सेंटर में डाल के मुझे अच्छा लग रहा है करके मैं अच्छा फील कर वो अलग बात है हां बाय मत यूजी का मुझे ऐसे में एक स्ट्रांग कन्विकशन है कि यूजी को कुछ था कुछ कुछ हुआ था राइट अज्जा का कुछ हुआ था करके कि मैंने दोनों को देखा था मुझे तो मैं कन्विंस तो था और मैंने बहुत और लोगों को देखा है राइट तो मुझे ऐसे लगा मुझे तो क्या पता किसी और ने नित्यानंदा को देखा और उसको कन्विंस हुआ हु, राइट ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि तुम्हें क्या है टू इच टू सोन नहीं बोल रहा हूँ भाई एंड ऑफ द डे फ्लश आउट में वो भी है ना यूजी भी आउट होना पड़ेगा तो वो बहुत क्लियर था कुछ होना है और उसके बाद ये भी कह लिया था कि वो तो चांस एफर्ट से होगा नहीं फिजिकल इससे होगा नहीं इट्स बाई चांस एंड बहुत उनका मोटिव ऑब्जेक्टिव नहीं था बट वो बोल ही रहे थे कि मैं सब जगह ये कॉन्ट्रडिक्ट्री करता हूँ कि एक स्टेटमेंट बोला और दूसरा स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हाँ, कभी ये थे, कभी ये बोलते बोलते थे थे वो दोनों तरफ रहते थे वो यहाँ कोई भी साइड उन्होंने कभी ली नहीं तो उस मामले में एक और उनका था एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि केतु हाउस या कुछ में रहता है तो तो तभी चांस है एनलाइटनमेंट अच्छा। तो मैंने देखा मेरा कुछ नहीं है तो मैंने बंद कर दिया <laughs> कोई चांस नहीं मेरा तो मुझे उनका एक बहुत क्वेश्चन था वॉट विल यू डू एनलाइटनमेंट कुछ करना है वो कोई स्किल है नहीं कुछ करने क्योंकि, है उसे? क्योंकि मार्केटिंग ये बताता है उस औरत हाँ. को ये सब तो हमने कर दिया अब क्या बचा है हाँ. अब वहाँ चलते है ना अल्टीमेट रियालिटी करके कुछ है वहाँ चलते उस दुकान में चलते है बेच रहे दाड़ी वाले अब क्या करें भाई कोई बात नहीं तो हमारा ये कहना है कि ये जो ना आज के लोग ज्यादा ज्ञानी है ना कल के लोग ज्यादा ज्ञानी थे ज्ञान ही गंदा एक चीज है वो हाँ, समझ क्योंकि ज्ञान ही बेकार है ज्ञान ही आपकी मिजरी है जो ज्ञान ज्ञान ने आपको फंसा रखा है हाँ ज्ञान ने आपको फंसा रखा है आप जितने ज्ञानी बनेंगे उतने ज्यादा आपका सर में दर्द होने वाला है तो अपना सर दर्द दूर करना है तो आप समझ लीजिए की सीखने के लिए कुछ नहीं है हल्मर सबसे बढ़िया बीमारी है तो चलिए फिर कभी और मिलेंगे और किसी और विषय पे चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार